ये बच्चे देने वाली आती है, जो भूसा होता है ना जिसको पराली कहते हैं हम लोग, तो वो देखें उठा के वो अंदर लेके जा, वो वहां पे अंदर जो है ना उसको रखेगी, वहां पे बच्चे देगी। कपड़ा उठा के लेके जा रही है, होती है नेचर है इनकी। ये देखें आपने जिस्म के ऊपर से सारे बाल जो है ना वो उतारना शुरू कर दिए इसने, तो सामने से फिर जो है वो बंद कर रही है इसको। देखें किस तरह बंद करती है ये। अस्सलाम वालेकुम वर्स, उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत होंगे। तो हर रोज की तरह आज फिर मैं अपने गोदाम पे, आज मैं काफी जो है वो लेट हो गया हूँ, तो आज हमारे खरगोश जो है वो काफी भूखे हैं। सफाई जो वो हम लोग ने कर दी यहाँ से, अब जाके फटाफट लेके आते हैं चारा और खरगोशों को जो वो चारा डाल देते हैं, उसके बाद बाकी का जो वो अपने पेट जो है या कबूतर वगैरह जो घूम रहे हैं उनको भी फिर बाद में आगे को दाना डालेंगे। जी वर्स, चारा मैं लेके आ गया हूँ खरगोशों के लिए। तो खरगोश देखे मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, तो कितनी वो भूखे हैं, इनको अभी चारा डालते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी चारा खाएं। चारा जो मैं स्पेशल लेके आया हूँ आज इनके लिए, तो अभी देखें ये सारे के सारे इंशाल्लाह इकट्ठे हो गए और चारा खाते जाएंगे इंशाल्लाह। आज चारा इनके लिए बिल्कुल सेम जिस तरह की जंगली घास होता है उस तरह का इनका आज चारा है। दूसरे खरगोश हैं वो ये देखें, कबूतरों का दाना जो है वो सारा इधर बैठ के खाते रहते हैं और कबूतर जो है वो जा रहे हैं वो डर के मारे डब्बों में बैठे हुए हैं, कुछ डब्बों के ऊपर बैठे हैं कुछ इधर बैठ गए। अब इनको उधर लेके जाते हैं दूसरे खरगोशों के पास घास की तरफ। चलो भाई चलो 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 उधर भागो 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 यहाँ से भागो। चलो 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 दौड़ो 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 दौड़ो। सो व्यूअर्स देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, सेम जिस तरह किसी खेत में बैठ के चारा खा रहे हैं और इतना प्यारे जनाब ये लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाइट वाली मादी जो वो भी देखते हैं कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसने बच्चे दिए कि नहीं दिए। ये वो व्हाइट वाली मादी है, इसने बच्चे देने थे सो इसके लिए हम लोगों ने इधर भूसा जो है वो ला के रख दिया। सो ये अभी उठाएगी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, तो फिर ये रखेगी अपने जिधर उसने बिल बनानी है वहां पे ये इकट्ठे करके उसके बाद जो है ना ये बच्चे देगी वहां पे। सो इसका पूरा प्रोसेस जो होगा वो दिखाएंगे आपको कि ये बच्चे किस तरह देती है और इसका जो निजाम है एक बिल बनाने का इसका वो बिल वगैरह किस तरह बनाती है वो सारा निजाम जो आपको दिखाएंगे आज, इसका पूरा प्रोसेस जो होता है वो किस तरह करती है ये, सो वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखें ये कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि ये भी जो है ना अंडों पे आए हुए हैं, तो देखते हैं कि इन्होंने अंडे दिए या नहीं दिए। बाकी हम लोगों ने इस जगह पे सारे इकट्ठे कर दिए, ये हैं हमारे तोते और ये देखें कबूतर भी जो वो वहां पे भूसा जो वो लेके जा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है ये अंडे जो है वो निकालना शुरू करेंगे अभी इंशाल्लाह। बाकी ये जो खुमरी है इनका देखते हैं, वैसे तो मादी जो वो बैठी हुई है देखते हैं कि अभी वो अंडे देती है या नहीं देती, लेकिन बाकी कबूतर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने डब्बे में जो वो शिफ्ट हो गए हैं, ये बैठना शुरू हो गए, तो मुमकिन है कि इनके जो है ना ये बहुत जल्दी अंडे देंगे क्योंकि इनकी कबूतरों की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चारा वगैरह हम लोग लेके आ गए और खरगोशों को डाल दिया। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जो बड़े शौक से जो है वो बैठ के खा रहे हैं और बड़ी स्पीड से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो देखे कितने प्यारे और क्यूट से जो लग रहे हैं और बहुत जबरदस्त और मजे से खा रहे हैं वो सारे के सारे। तो व्यूअर्स, जैसे हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये व्हाइट वाली मादी जो है ये बच्चे देने वाली है, तो अभी आप देखें इसको गौर से जरा, ये जो भूसा होता है ना जिसको पराली कहते हैं हम लोग, तो वो देखें उठा के वो अंदर लेके जा रही है, यानी कि वो देखें वो वहां पे अंदर जो है ना उसको रखेगी, वहां पे बच्चे देगी ये, तो उसके लिए वो देखें ये जो यहाँ पे अपना जो है ना वो घोंसला टाइप जो मसल होता है एक बिल का वो बनाएगी और वहां पे फिर वो बच्चे देगी। ये देख सकते हैं आप, जैसे वो इकट्ठे करके तिनके वगैरह वो अंदर लेके जा रही है, वो देखें क्योंकि अभी ये बच्चे देगी यहाँ पे, तो उनके लिए जो ना वो सेफ्टी जो वो बना के, तो नरम सा जो सामान होता है इनका बनाने का तरीकाकार वो बनाएगी, फिर उसके बाद ये बच्चे जो है ना इसमें देगी वो। अभी वो अंदर है, वहां से बाहर निकलती है तो आपको इसके अंदर का व्यू जो है ना वो भी दिखाता हूँ कि अंदर जो वो किस तरह बनाती है ये, वो देखें वो अभी बाहर निकले, वो अंदर छोड़ के तो वापस आ गई, अभी फिर जो वहां पे जाएगी तो जाके वहां से फिर वो उठाएगी, वो देखें वो उठा के लेके आएगी अभी यहां से। वो देखिए वो इकट्ठी कर रही है, तो उसको अभी हम लोगों ने ना कपड़े भी इसके लिए रखेंगे इधर, क्योंकि कपड़े जो ना वो काट के रखते हैं तो आराम से जो ना वो उठा लेती है, कपड़े जो वो इजी रहेंगे, कपड़े सही उठा के ले जाएगी। कपड़े जो मैंने काट के रखे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, देखना फिर वो भी उठा के लेके जाएगी। अभी वो पराली जो है ना भूसा जो है वो उठा रही है, वो देखें, क्योंकि जब ये बच्चे देते हैं ना खरगोश, तो ये मादी जो है ना इस तरह ये कागज हो जाए या कपड़े हों कोई भी ऐसी चीजें वो उठा के लेके जाती है। ये देखें अभी ये सारे इकट्ठे करके लेके जाएगी वहां पे और इंशाल्लाह आज या कल जो है ना ये बच्चे दे देगी। वो देखें अभी इकट्ठे कर रही है, और दूसरे खरगोश जो है वो देखें ये लेके गई, वो सीधी अंदर चलेगी, देखो वो अंदर चलेगी उसमें। वो देखो जो उसमें बच्चे थे जो पहले अंदर गए हुए थे उनको बाहर निकाल दिया उसने और खुद जो है ना वो सारा भूसा वगैरह जो वो अंदर लेके जा रही है, लेकिन अब ये है कि इसमें दूसरे बच्चे जो है ना या बड़े वाले जो वो अंदर नहीं जा सकेंगे क्योंकि इसने इस पर समझ लो कि कब्जा कर लिया जिस तरह, अब इसमें दूसरे बच्चों को अंदर नहीं जाने देगी। अभी हम लोग इधर कपड़े फेंकते हैं, देखना कपड़े भी उठा के लेके जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो भी बोलता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफ़ी खुशखबरी है, खुशी है इसमें कि हमारे पास जो मादी है खरगोश वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे जो वो उनके लिए वो काम कर रही है, और यहाँ पे देखे मैंने वो फेंक दिए कपड़े भी, अब वो कपड़े उठा के जो है वो अंदर लेके जाएगी, कपड़े लेके जाती है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो लेके जाएगी और कैसे जो है वहाँ पे रखेगी, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अभी वो वहाँ पे भूसा वगैरह रख के वापस आएगी तो फिर मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अभी वो आके तो यहाँ पे चारा खाना शुरू हो गई और कपड़े जो वो मैंने यहाँ पे फेंक दिए थे अभी वो वहाँ से उठाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इसको अभी थोड़ा सा खाने देते हैं जो खाती है ये, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और जो वो न्यू बेबी जो है ना वो आने वाले हैं इसके खरगोश के। जी व्यूअर्स देखें अभी ये कपड़ा जो है ना ये कपड़ा उठा के लेके जा रही है, जैसे आप लोगों को बताया था पहले भूसा लेके जा रही थी अभी ये कपड़े लेके जाएगी। मैंने कपड़े इसीलिए फेंक दिए इधर ताकि ये आराम से जो ना बजाए के भूसा वगैरह और शॉपिंग बैग वगैरह जो वो लेके जाए,
तो मैंने जो है ये कपड़े जो है इस जगह पे फेंक दिए काट के, ताकि ये कपड़े लेके जाए और अपना जो है ना वो घोंसला वगैरह जो बनाना है इसने वो बना ले, अपनी बिल जो है ना जो हम लोग ने वहाँ पे क्रेट रखे हैं उसके अंदर ये रखेगी। माशाल्लाह जी हमारे पास और नई बेबी जो है ना वो आ गई, वो देखें अभी वो लेके जा रही है, वो चली गई अंदर। वो चलेगी जी व्यूअर्स, तोते जो है ये बैठे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि वहां से इसने क्या किया। ये देखें यहां से, यहां पे हम लोगों ने कपड़े फेंके थे, सारे कपड़े जो है वो उठा के ले गई है, और वो देखें अभी मादी जो है वो सारा भूसा वगैरह जो पराली जो है वो उठा के लेके जा रही है यहां से। ये देखिए वो देखें वो लेके जा रही है। अभी ये यहाँ से निकलेगी ना बाहर, तो वहाँ पे जो वो सामने ईंट पड़ी है वो मैं उठा के दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो कैसे उसने अंदर जो है वो बनाया हुआ है सिस्टम इसका। ये हम लोगों ने इसीलिए क्रेट रखे थे ताकि ये बच्चे जो है ना इसके अंदर देंगी, क्योंकि गोदाम के नीचे जो वो सारे बंद है, तो इसलिए वहाँ पर जो वो बिल नहीं बना सकती है। वो देखें वो निकली बाहर, ये गई फिर दोबारा आएगी यहाँ से उठा के निकल जाओ। ये देखें अभी यहाँ से और इकट्ठे करेगी, यानी कि ये फुल जो है ना अपना वो क्रेट जो है उसको फुल करेगी, उसके बाद जो है ना दोबारा जाके तो बच्चे वगैरह जो अपने वहाँ पे देगी। अभी वो दूसरे जो छोटे बच्चे थे आज, जो आज बेबी लेके आए हम लोग, उनको उस क्रेट में से निकाल के सबको तो दूसरे क्रेट में रख दिया। अभी हमें क्या करना है, एक दो क्रेट और लेके आएंगे वहाँ पे और वहाँ पे और रख देंगे, क्योंकि ये दूसरे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एक क्रेट के अंदर जो वो नहीं आ सकेंगे, हमें दूसरा क्रेट लेके आना पड़ेगा, तो वो भी ला के रखते हैं। वो देखें दोस्तों दूसरा एक बच्चा और उसमें चला गया, लेकिन ये अभी जाएगी अंदर तो उसको निकाल देगी बाहर। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये बच्चे जो वो जब देती हैं तो किस तरीके से जो है ना वो अपना पहले घर बनाती हैं, उसके बाद जो है ना वो बच्चे देती हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो देखिएगा कि किस तरीके से वो अंदर लेके जा रही है। वो देखें वो गई, अभी उसके अंदर एक बच्चा गया हुआ है, तो उसको बच्चे को बाहर निकालेगी ये, उसके बिल में जो है ना वो एक बच्चा गया है, अभी उसको मारेगी या जैसे भी कर करा के उसको बाहर निकालेगी। मेरा नहीं ख्याल कि उस बच्चे को अंदर रहने देगी वो। वो दूसरे बच्चे जाके देख रहे हैं कि इधर तो कब्जा हो गया, अच्छे भले हम लोग रह रहे थे इधर, तो इधर आके कब्जा कर लिया इसने। दूसरे देखे ये वाले बच्चे किस तरीके से जब वो खा रहे हैं आराम से इधर बैठे हुए, ये देखें पत्ते जो है अभी काफ़ी हैं पड़े हुए, अभी और डालेंगे इनको तो फिर आके खाएंगे ये। ये देखें इस तरह करें तो ये आके खाते हैं, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्यूट क्यूट से बेबी हैं यार। वो लेके गई और ये देखें ये एक और आ गया इधर मेरे हाथ के पास, एक और आ गया वाइट वाला भी। ये देखें सारे कितने इकट्ठे हो गए इधर, अभी वो देख रहे हैं कि हमें जो वो चारा ताज़ा जो अब मिल रहा है। जबकि मादी जो है वो देखें बिल्कुल स्पीड से जब वो इकट्ठे करके लेके जा रही है वहाँ पे, ताकि और ज़्यादा जो है ना वो घोंसला जो अपना बनाती हैं, जो जिस तरह बिल के अंदर बनाती थी उसी तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म का जाके वो अपना घर बनाएगी, उसके बाद उसमें बच्चे देगी ये। सो अभी दूसरे और लेके आते हैं क्रेट, वो भी ला के इधर रख देते हैं, ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो उस क्रेट के अंदर चले जाएंगे, या दूसरी मादी जब बच्चे देगी तो वो भी इसमें दूसरे क्रेट में वो भी बच्चे दे देगी। व्यूअर्स दूसरे बच्चे जो थे वो ये पड़े हैं इस खुडे में, वो देखे सारे के सारे अंदर, तो इसका जो हम लोग देखते हैं किसने कैसा बनाया वो अंदर से। देखे वो पूरी पराली जो है वो जो भूसा है वो सारा अंदर लेके चलेगी, कपड़े वगैरह भी जो थे वो भी अंदर लेके चलेगी। ये देखे अंदर से इस तरह बना रही है, अभी और बाकी मुकम्मल करेगी जब बच्चे देगी, तो फिर उसके बाद दिखाएंगे कल या किसी दिन भी जब बच्चे निकालते हैं तो फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी का उसने ये इस तरह बना दिया। दूसरा जो है खुड्डा जिसमें ये खरगोश है बच्चे,
वो बच्चे इस तरह बैठे हुए सारे अंदर, वो देखें सारे इधर इकट्ठे होके बैठ गए। तो व्यूअर्स, जो खरगोश जो मसलन बच्चे देती है मादी, उसकी आप लोगों को एक और चीज बताऊं। देखा आपने कि जैसे काफी सारा भूसा और कपड़े वगैरह हमने इसको दिए ताकि आराम से जो है वो अपना घोंसला बना सके या अपनी जगह जो है ना वो बना सके जहाँ पे उसने अपने बच्चे देने हैं। लेकिन इनमें एक बहुत जो आदत है, कुदरती है, नेचर है इनकी, ये देखने अपने जिस्म के ऊपर से सारे बाल जो है ना वो उतारना शुरू कर दिए इसने। ये चीज़ें जो है ना इनका एक कह लें कि कुदरती फेल है इनका या कुछ ऐसा है, ये लग ऐसे रहा जैसे खारिश कर रही है, जबकि ये खारिश नहीं कर रही, ये अपने बाल जो है ना वो नोच रही है। बाल नोचने के बाद ये मुंह पूरा भर के तो उसके बाद बिल में जो वो लेके जाएगी और वहाँ पे जाके अपने ये बच्चों के गिर्द जो है ना वो लपेट देती हैं बाल, ये इस तरह करती हैं। अगर कोई दूसरा खरगोश इसके पास आए या बच्चे जो हैं वो बच्चों से भी जो है ना वो खींच के तो बाल नोच लेती है, ये चीज़ें इस तरह करती हैं। ये देखें अभी काफ़ी सारे बाल जो वो नोचना शुरू कर दिए इसने। जी व्यूअर्स देखें, मैंने और वहाँ पे भूसा जो है ना वो जिधर छोटा बच्चा बैठा हुआ है वहाँ पे और डाल दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रही है, वो अपने बाल जो है ना वो नोचते जा रही है। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके करीब जाऊँगा तो ये भागेगी। ये देखें, वो देखें पेट के ऊपर से भी जो है वो सारे अपने टांगों के ऊपर से भी सारे बाल जो है वो नोच रही है। वो देखें कितना मुश्किल मरहला है इसके लिए, बेचारी के लिए, कि अपने बाल भी जो वो नोचती जा रही है। वो देखें मुंह जो है ना फुल भर लिया उसने अब। देखें इसके मुंह में देखें बाल कितने हैं। ये ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता इस चीज का। आप दोस्तों में से किसी को पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये इस तरह क्यों करते हैं, जबकि हम लोगों ने भूसा भी इधर काफी सारा रखा है, उसके बाद कपड़े भी और फेंक दिए हैं ताकि ये अपने बाल जो है ना वो ना नोचे, जबकि बाल जो है वो नोच के वो देखें दुम के ऊपर से भी सारे जो है बाल वो नोचने शुरू कर दिए उसने। वो देखें इसका मुंह जो है ना भी फुल जो है वो बालों से भरा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं अभी। मैं और जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा करीब, तो कितने बाल जो वो अपने नोच रही है। सो ये इनका मेरे ख्याल में कोई नेचर मसला होता है, कोई कुदरती तौर पे इनको जो है ना ये ऐसा करना पड़ता है या क्यों करती हैं पता नहीं, आप लोग बताइएगा जरूर इंशाल्लाह कि ये क्यों ऐसा करते हैं। जी व्यूअर्स, मादी ने बच्चे दे के तो सामने से इसको बंद कर दिया सारा, इसका जो डरबा बनाया था हम लोगों ने क्रेट रखे थे, उसके अलावा दूसरे क्रेट जो हम लोगों ने इधर रख दिए, और जब इसके बच्चे निकलते हैं फिर उसके बाद बाकी का निज़ाम जो आपको वो भी दिखाएंगे, जो बच्चे निकलेंगे वो भी दिखाएंगे कि कितने बच्चे दिए इसने और किस किस कलर के थे, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपने देखी हमारी आज की पूरी रूटीन जो थी। सो अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुंचे। इसी के साथ राणा शोकत को दीजिए इजाजत, सदा खुश रहे, बड़े बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। फी अमान अल्लाह, सलाम अलैकुम।